नमस्कार, प्रश्नकाल को स्वागत करुच्छे मुझे शांति भूषण। आज प्रश्नकाल प्रसंग रही चार टॉयलेट जीपीआरएस स्टडी आम कौ पुरीर परिक्रमा प्रकल्प विवाद कथा सांसद पिनाकी मिश्र जो कथा पार्लियामेंट रे कही थे जे सेठी चारोटी टॉयलेट तैयारी होची दुईट पुरुषों पर दुईट महिला एवं सांसद कहते थर तो मिछ कहे संसद में आउ थे एवं कहते सांसद ट्विट करी जे जीपीआरएस स्टडी हो तेणु प्रश्न उठू तो जीपीआरएस स्टडी हो सांसद कहते से कहार रही ये चारोटी टॉयलेटर ना जो गात खोलाई 20 फुट रु अधिक 32 mm लुहा छड़ पड़ी जे बहुतल प्रसाद जे भ्रम सृष्टि करवाई से तार आपको नहीं कि आज आम प्रश्नकाल सांसद पिनाकी मिश्र जहाँ कही थे आपन को आउ थ मन पकईदेवी जे से संसद में कौन कही थे कि पूर्व जो मैंने आज आम सहित अतिथि रे से परिचय कराऊँ आज आम सहित शंकर पंडा अच्छे बीजेपी नेता प्रसन्न महापात्र बीजेडी नेता पुरी रू आम सहित जोड़ी हे अजय राउत मीडिया संयोजक श्रीमंदिर सुरक्षा अभियान से मैं आम सहित रे लाइव किंतु आप प्रथम आलोचना पूर्व जेहेतु से प्रथम बयान पिनाकी मिश्र जहाँ से संसद में कही मुझे पीसीआर अनुरोध करी से आपण को आउ थ मन पकईदे से ही कथा जहाँ से प्रथम कही चारोटी टॉयलेट मुझे आपण को शुणेबी किंतु ता पूर्व शंकर बाबू ये कथा उठू चारोटी टॉयलेट कथा से प्रथम कहले एवं कहते जीपीआर स्टडी हो सारी जो लोक मैंने विरोध कर लोक मैंने न्यस्त स्वार्थ लोक जो मानकर निजर लोभ अच्छी स्वार्थ अच्छी से मानकर किसी मालाफाड़ इंटेंशन अच्छी बा द्वेष अच्छी मन से ही विरोध कर पुरीर माननीय सांसद श्रीजुक्त पिनाकी मिश्र को आज प्रश्नकाल गोटे प्रश्नकूलता निश्चित भाव अंत मानविकता को चेतना को चिंतन को निश्चित भाव प्रभावित कर पिनाकी मिश्र श्रीजुक्त मिश्र बारंबार कहते पार्लियामेंट गणतंत्र सर्वोच्च मंदिर ओनली 4 टॉयलेट्स एवं से कौन होपर कौन हो कौन नई से संपर्क में पिनाकी मिश्र अवगत अच्छा ना नहीं जानी अवगत हाँपी तो प्रत्याशी सांसद श्रीजुक्त पात्र डॉक्टर संबित पात्र डॉक्टर पात्र अनुरोध करते एवं से अंत आसी निजे देखते आज जो जीपीआरएस कथा सर्वे कथा कहते आपणकर जदि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेड सर्वे इज कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट तेब अंत जो सिंहमूर्ति बाहरी 30 फुट रो चट्टाण बाहरी 3 फुट ओसार जो चट्टाण बाहरी 2 सिंहमूर्ति बाहरी आपणकर कौ जीपीआरएस सर्वे भितर थिला द्वितीय कथा होची आपणकर प्रकाश्य भावे एमआर मठर अंत सिंह तो सुना तोरण हजी आपणकर आउ किछि दिन पूरे आपण 3 वर्ष 4 वर्ष 4 वर्ष तले आपण देखिथि आपणकर 18 टन सुना रूपा इटा सेटी बाहर थिला आपणकर ताले जदि जीपीआरएस हेजी आपणकर केते सुना थिला केते रूपा थिला केते हीरा नीला मोती माणिक थिला एबो प्रकाशर जोटी चोरी हे जाउची रत्न भंडार जोटी चोरी मिली चोरी चाबी मिलुनी सेटी निश्चित भाबे अंतत शासक दलर सांसद श्रीजुक्त मिश्र निश्चित भाव जानते केते हीरा नीला मोती माणिक सुना रूपा आप गायब होदी जीपीआरएस आदि जीपीआरएस है निश्चित भाव आपण श्रीजुक्त मिश्र आज स्वीकार कर आवश्यकता कहीं जरूरी अच्छी आप जीपीआरएस सर्वे होनी जीपीआरएस सर्वे होते जो ऐतिह कीर्तिराजी आज अंत भस्मावशेष परिणत हो ध्वंसावशेष परिणत हो आशंका प्रकट कर शपथ पत्र हाइकोर्टर शपथ पत्र आपर इज एव्री पसिबिलिट दि एजेन्सी दैट इज ओबीसी माइट हाव डिस्ट्रॉय ऑल दि माइट हाव डिस्ट्रॉयड ऑल दि आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स इन दि हेरिटेज साइट्स प्रमाणित जो आशंका ना पिनाकी मिश्र को बाइटा टे शुणी दिखाँ आप थोड़े आउे से चार टॉयलेट क्या भूली जीवन आपको शुणी दूसरे प्ले करूँ कोई खनन का कार्य नहीं हो रहा है सिर्फ 4 टॉयलेट बन रहे हैं मैडम कोई खनन का कार्य नहीं हो रहा है सिर्फ 4 टॉयलेट बन रहे हैं मैडम कोई खनन का कार्य नहीं हो रहा है सिर्फ 4 टॉयलेट मुझे कह आपको अजय बाबू जो 4 आंगुठी देखो से 4 टॉयलेट चार टॉयलेट तैयारी हो किसी हो जो चित्र सामना को तो धीरे धीरे स्पष्ट हो गला कौन तैयारी हो पिनाकी मिश्र ये मिछ ये आउ क्या अछपा ना सारा राज्यवासी देखी सारे बारंबार आम देखु जे सांसद मिछ आप देखूँ आउ एक मिछ जे जहाँ कोर्टे हाइकोर्टे आफिडेविट आकार सत्यपाठ आकार एएसआई कर जीपीआर स्टडी होना कि पिनाकी मिश्र कहते हैं अजय आज्ञा
सांसद पिनाकी मिश्र जड़े अभ्यासगत मिछुआ आपण एटा प्रमाणित हो सारा कथा शुणिकी हसवा छड़ा बहुत बड़ ज्ञानी इंग्राजी में बहुत कड़ा शब्द से मुझे ट्विटर आज पढ़ी इंग्राजी में कड़ा शब्द सब से लिखिं जड़े बड़ सुप्रीमकोर्टर वकिल किंतु सी जड़े अभ्यासगत मिछुआ भाव में परिणत केवल चार टॉयलेट कथा ना प्रथम पार्लियामेंट्रे चार टॉयलेट कहले तापर कहले आमको एनएमएर अनुमति अच्छी तापर आज कहते जीपीआरएस स्टडी हेची जीपीआरएस सर्वे हो सारी बोली सी कहते आज्ञा हाईकोर्ट रे सत्यपाठ जरिया एस आई जो सारी नौ नंबर पॉइंट रे ये हूँ मो पाखे जॉइंट इंस्पेक्शन कमिटी रिपोर्ट अच्छी नौ नंबर पॉइंट रे अच्छा ये केवल एस आई रुह ए जॉइंट इंस्पेक्शन कमिटी एठिकार कलेक्टर अच्छा एस जी टी ए भी अच्छा समस्ते राज्य सरकार आउ एस आई मिलित रिपोर्ट ताल कौन भूल कहले ये कौ रिपोर्ट को देखिकी ये मानने शुणुली आज दिन सारा ये चर्चा तो चली गोटे यूटिलिटी सर्वे रिपोर्ट को देखिकी ये कौन आज्ञा ये ज्ञान परिसीमा एत बड़ वकिल जो आज्ञा ये केवल चमचागिरी कर आज तक ट्विटर में सी जड़े साधारण सचिव को सरकारी कर्मचारी के मध्य धन्यवाद देखते तेणु चमचागिरी निजर पद प्रतिष्ठा राजनैतिक प्रतिष्ठा को सी बचा रखापी बचे रखापी स्तर को सी खसी चलकर कौन सी प्रकार कथार मूल्य ना अति मूल्यहीन कथा कहते ये संसद गारिमा को नष्ट कर सारी जड़े वरिष्ठ वकिल भाव में गारिमा को नष्ट कर साढ़े चार कोटी ओडिया पाखे ये निजर परिचय निजर जो गारिमा अच्छी हर सारी से जड़े मिथ्यावादी जड़े हेबिज अभ्यासगत मिछुआ भाव में निजक प्रमाण संसद में मिछ कहला पुणी राज्यवासी को मिछ कहे कहते अभ्यासगत मिछ ठीक अच्छे प्रश्न बाबू जवाब देवे प्रश्न बाबू सांसद जड़े संसद तो मिछ कहले डिफेंड करने आप किसी ना मिछ धरा पड़ जाए पुणी मिछ कौन जीपीआर स्टडी हो कि तथ्य अच्छे आप सांसद जहाँ कहते शांति बाबू तथ्य अच्छी जीपीआर टेस्ट हो सांसद मिछ कहना अजय बाबू जो अधिका भाषण दौरान जो आप चैनल मध्यम ये मिथ्यावादी ये जो कहते टे निजक संयत करूँ सांसद जो कहते जे जीपीआरएस टेस्ट हो माने टेस्ट हो आपण 26/8/21 चिट्ठी ओबीसी लिखिला एस आई डिपार्टमेंट को जे एठी जीपीआरएस एंड टीएसएस टेस्ट करंतु टेस्ट करले परे आमे टाटा को दबो काम तेणु ता पूर्व चिट्ठी लिखिकी तापर टेस्ट जीपीआरएस टेस्ट कराई एस आई कौट कहनी जे जीपीआरएस टेस्ट है एस आई कही अनुमति देनु टेस्ट है लिखे सत्यपाठ से आप 26 नंबर पेज सत्यपाठ देखिए जो फोटो अच्छी श्रीमंदिर प्रकल्प मुझे अटकाउे आप जो क्या कहले मुझे पढ़ी शुणी दूसरी प्रश्न बाबू टे पढ़ आप कहले कौटी एस आई कहनी जीपीआरएस स्टडी होनी बोलिक मुझे आपको सत्यपाठा देखिए आप विश्वास हेनी कहे ना जो कागजा धरते आप कागज धरती ये हूँ सत्यपाठ सत्यपाठ रौ नंबर पॉइंट जब आप देखी दिंतु मुझे पढ़ी आप मिलईदेवे कल मुझे भूल पढ़ु नो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग राडर सर्वे ब्राकेट्रे जीपीआरएस हाव बीन कंडक्टेड टू आसर्टेन द आर्कोलोजिकल एंड हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस लाइंग बिरुड इन द सबसॉइल ऑफ 75 रेडियस कंस्ट्रक्शन जोन ऑफ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स एटी क्लियरली कहले नो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वे ता अर्थ कौन ओडिया बुझे दिखते आप देखे आप 26 नंबर पेज को जातु 26 आप सत्यपाठ अच्छी मो पाखे ना ये बर्तमान आप 26 नंबर पेज रे जो फोटो अच्छी लिखाई श्रीमंदिर ऐतिह प्रकल्प फोटो से जीपीआरएस टेस्ट हो प्रमाण देखा देखा आप देखा मुझे तो आपको देखे ये इटा होची पूरा सत्यपाठ आपण कहली पा सत्यपाठ एक पाखरे नाही मी आपणको देखेली फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन्स वर मेड ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन इटा जॉइंट इंस्पेक्शन इतला इतर केवल एसआई नाही एसआई जो फोटो देई छी ड्यूटी 26 नंबर पेज रे जो फोटो दीटा देई सत्यपाठ रे सेटा आपण देखिबे से लेखु छी श्रीमंदिर ऐत्य प्रकल्प रो जीपीआर टेस्ट हेई छी बोल सेटा प्रमाण आ एसआई एवं जीपीआर टेस्ट हेई छी एठी टेस्ट रिपोर्ट रे किछ नेगेटिविटी नाही बोली फोटो उडा अछि कोठी अछि देखु ना आज आपण मते आपण देखांतु मु त आपणको देखौ छी 26
राज्य सरकार मसी मंदिर पेज पंचस्तरी मीटर परिव्याप्त अंचल जीपीआर सर्वे करा केवल जीपीआर सर्वे करा राज्य सरकार स्वीकार करी फोर टॉयलेट्स दैट वाज माने जो अंतत लाउडली जो चित्कार करछन्ती आपण लाउडली जो आपण पिनाकी मिश्र कहउछन्ती चारोटी टॉयलेट से चारोटी नुह 14 टी कोठा निर्माण सरिछि एवं बहुतल प्रसाद कोठा जोड आपणकर एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग चलछि ता भी आपण पिकेडियर परमिशन पाइनी अलगा कथा आपणकर अलगा कथा परमिशन नबो एएसआई रे परमिशन नबो नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी रे परमिशन नबो एउरा आमसार आमसार एक्ट नियम भितरे करिवो एवं सेति पिकेडियर अनुमति नै नै आपणकर कोनोसी काज ए कथाटी ए राज्य सरकार भी ए त्रुटि की स्वीकार करछन्ती राज्य सरकार तुए त्रुटि विचुति की स्वीकार कला बेले राज्य सरकार एडवोकेट जनरल एवं कहिला बेले आमे को प्रत्याहार करनबो 75 मीटर दूर एवं सेतिके बेले पिनाकी मिश्रा बारंबार कहछन्ती आमे जो पॉइंट रे अटकी छे अजय मते से पॉइंट कहिबे आमे एट कहउछे जे पिनाकी मिश्रा कहिले जे जीपीआर स्टडी हेइछि एवं तार तथ्य से देबे एठी कथा उठुछि जे प्रसन्न बाबू बीजेडी अच्छा बीजेडी नेता ताक पाखर मध्य डॉक्यूमेंट्स थिबो से कहते 26 नंबर पेज जो फोटो अच्छे से आपण से डॉक्यूमेंटा नहीं कि आसवा कथा जहाँ अच्छी एएसआई सत्य पाठ 12 पॉइंट अच्छी 12 पॉइंट जब कह आपदेवी कौन कौन अच्छी कौटी लिखाई जे जीपीआर स्टडी होती मत आप पढ़ी शुणी दिखाँ मुझ विश्वास करी हाँ आप जो क्या सत कहते मिश्र सत कह फोटो अच्छी जो श्रीमंदिर प्रकल्प 26 नंबर पेज जो फोटो अच्छी तेणु आपठी एएसआई अनुमति देनी कहे कि तार रिपोर्ट से देनी किसी नेगेटिव नाला किए कौन ऐतिह कीतिराजी नाला तेणु जीपीआर टेस्ट हो एटा दृढ़ कथा एपिडेविट तो देखो ना को देखा जॉइंट इंस्पेक्शन कमिटी रिपोर्ट जो थे राज्य सरकार भागीदार अच्छा से क्लीयर भाव से राज्य सरकार ऑफिसर माने दस्तखत कर जो कहले प्रसन्न बाबू जो कथा कहते मान्यवर सांसद संज देखे मत जो धमकैले वर्तमान मुझा अत्यंत विनम्रता सहित प्रसन्न भाई की कहि जे सांसद जदि मिछ कहले जड़े मिछुआ को मिछुआ कहवे मोर कौन प्रकार भय ना मुझे कौन से असंजत कथा कहे ना आ गोटे कथा मुझे काली आगे आम प्रसन्न भाई आम सांग प्रश्न यही प्रश्न काल प्रसन्न भाई काली कही ना जीपीआर स्टडी होना एठार जीपीआर से एमआर मठ से धन संपद देखने काली विषय को सी एडवोकेट जनरल मूर्ख आज्ञा निजे स्वीकार करते वर्तमान दुईटा कथा गोटे कथा आज्ञा छाड़ से कथा प्रसन्न भाई भद्रलोक मोर प्रति कौन मुझे कहवा चाहिए काली से स्वीकार करते जीपीआर स्टडी होना आज सांसद कहले ये सांसद मिथ्यावादी आ दलटा मिछुआ आज्ञा मु प्रसन्न भाई की विनम्रतार सहित हाथ जोड़ी नमस्कार करुँ मनरे कष्ट अच्छी जेहेतु दल से अच्छा से किसी कहीपुना भाई छाड़ी दिंतु एभिया मिछुआ दल को छाड़ी दिंतु जगन्नाथ द्रोह
ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମଙ୍ଗଳ ହେବ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗନ୍ତୁ, ମିଛ ଭୁଲ ହେଇଛି ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ତ୍ରୁଟି ସମ ମଣିଷ ମାତ୍ରେ କି ଭୁଲ ହୁଏ, ତ୍ରୁଟି କ'ଣ ହେଇଛି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କେମିତି ହେବ ସତ କଥା ଆମେ ଡିବେଟ୍ କରୁଛେ, ପ୍ରକୃତରେ ଜିପିଆର୍ ଷ୍ଟଡି ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଏଏସ୍ଆଇ କହୁଛି ହେଇନାହିଁ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାଂସଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଏସ୍ଆଇ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି କହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ହେଇଛି, ଆପଣ ସାଂସଦ କହୁଛି ହେଇଛି, ଏଠି କଥା ଉଠୁଛି କିଏ ସତ କହୁଛି, ଆପଣ ସତ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏଏସ୍ଆଇ କହୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ହବ, ଟିକେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଆମେ ଡିବେଟ୍ କରୁଛେ ସେଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ, ସିଂହମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଖାଲି କହିଥିଲି, ଟିକେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଦୁଇଟି ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଡିବେଟ୍ କରୁଛେ, ଆମେ କହୁଛେ ଆଜି ଟପିକ୍ କ'ଣ ରଖିଛେ ଆମେ, ଯେ ଚାରିଟି ଟଏଲେଟ୍ ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କ ଜିପିଆର୍ ଷ୍ଟଡି ଆଜି ରହିଛି ଆମର ଡିବେଟ୍ରେ, ଏଇ ଟପିକ୍ ରହିଛି, ସଂସଦରେ ସାଂସଦ ଯାହା କହିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଦିଗ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ହେଉଛି ଯାହା ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ ସାଂସଦ ଯେ ଜିପିଆର୍ ଷ୍ଟଡି ହେଇଛି ନା ହେଇନାହିଁ, ଏଏସ୍ଆଇ କହୁଛି ହେଇନାହିଁ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ହେଇଛି, ପିନାକୀ ମିଶ୍ର କହୁଛନ୍ତି ହେଇଛି, ଯଦି ହେଇଛି ଟିକେ ଟିକେ ଯଦି ହେଇଛି ଆପଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବେ, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖେବେ, 4.5 କୋଟି ଲୋକ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସତ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଏଥିରେ ଆମେ 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 ମଧ୍ୟ କହିବୁ ହଁ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ଭୁଲ କହୁଛୁ, ଏଏସ୍ଆଇ ଯାହା କହୁଛି ଭୁଲ କହୁଛୁ, ଏଏସ୍ଆଇର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଖି ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ଜଏଣ୍ଟ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ରିପୋର୍ଟରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଜଏଣ୍ଟ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେଥିରେ କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଓବିସିସିର ଯିଏ ଇଆଇସି କମ୍ ଏମ୍ଡି ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏଠି ଏଏସ୍ଆଇର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ସିଏ ବେଦ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଆପଣ 9 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବେ, ପୁରା 24 ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଠି ଅନୁଧ୍ୟାନ ହେଲା, ସେ ରିପୋର୍ଟ ଗଲା, ସେ ରିପୋର୍ଟକୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହମତିରେ ଗଲା, ଏଠି 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜିପିଆର୍ଏସ୍ ହେଇନାହିଁ, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ରିପୋର୍ଟ ଭୁଲ, ଏଇଆ ତ ଖାଲି ଆଜ୍ଞା ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ବୋଲି ହିଁ ଫଟୋଟି ଗଲା, ଆଉ ତା ଦେହରେ କିଛି ନେଗେଟିଭ ନଥିଲା ବୋଲି ଦେଖାନ୍ତୁ, ସେ ଫଟୋ ଦେଖାନ୍ତୁ, ରିପୋର୍ଟ ନାହିଁ, ଇଏ ହଉଛି ଜଏଣ୍ଟ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ, ଯୋଉଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଅଛନ୍ତି, ଏସ୍ଆଇ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କହୁଥିବା ରିପୋର୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ମିଛ କଥା କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ ଦୟାକରି ଆପଣ କାଲି ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ହେଇନାହିଁ ବୋଲି, ଏଇଭଳିଆ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖେଇକି ଆଣନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏମିତି ମୁହଁରେ ମୁହଁ ବୁଲନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିକି ଆଉ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାନ୍ତୁ, ହାଇକୋର୍ଟରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ କୁହନ୍ତୁ ଖାଲି 26 ନମ୍ବରରେ ଅଛି, 36 ନମ୍ବରରେ ଅଛି, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି, ବିଲାତରେ ଅଛି, ଏମିତି କହିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଟା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ଏବଂ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ଉଭୟ ଗୋଟେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କଲେଣି ଯେ ମିଛକୁ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଦୋହରାଇ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଏହା ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ଯିଏ ଅନ୍ତତଃ ଜଣେ ରିନାଉଡ୍ ଲୟର, ଯିଏ ଜଣେ ଲଣେଇ ଲୟର ଏବଂ ଜଣେ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲୟର, ସେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ହାବିଚୁଆଲ ଲୟରରେ ପରିଣତ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନକୂଳତା ସମକାଳୀ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତଜନମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଓନ୍ଲି 4 ଟଏଲେଟ୍ସ ଯେତେବେଳେ ପୁରା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, ଯେ ଗୋଟା 32 mm ର ଆପଣଙ୍କର ଛଡ଼ର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ ବହୁ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପିନାକୀ ବାବୁ, ଆପଣ ପଢିଛନ୍ତି ପିନାକୀଙ୍କର ଭାଷା, ତାଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକ, ଜଣେ ଅଧିବକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ, ଜଣେ ଭାରତବର୍ଷର ଜଣେ ଅନ୍ତତଃ ଅଧିବକ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଏଭଳି କୁଶ୍ଚିତ ଏବଂ କଦର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଅନ୍ତତଃ ଆଶା କରାଯାଏନି, ଏବଂ ଅନ୍ତତଃ ସେ ତାଙ୍କର ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ, ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋଭୀ ଲୋକ ଏଇ ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଅନ୍ତତଃ ସେ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ସାଂସଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଲୋଭ କଥା ଯଦି ଉଠୁଛି, ଲୋଭ ତାହେଲେ ଏମାର ମଠକୁ ନେଇ ଯୋଉ ଲୋଭ ଉଠିଛି, ଏମାର ମଠରେ ଲୋଭର ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ହେଉଛି, ଏମାର ମଠ ସେଠୁ 18 ଟନ୍ ରୂପା ବାହାରିଥିଲା, ଏବଂ 7 ଦିନ ଭିତରେ ସେଠି ସୁନା ତୋରଣ ହଜିଛି ପ୍ରକାଶରେ, ଏବଂ ପ୍ରକାଶର ଅପ୍ରକାଶରେ ସେ ମାଟି ତଳେ, ସେ ଯୋଉ ମାଟି ତଳେ ଯୋଉ ଅନ୍ତତ ଥିଲା, ସେଠି ଅନ୍ତତ ସୁନା ଥିଲା, ରୂପା ଥିଲା, ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଥିଲା, ଏବଂ ଆକୁ ଲୁଚେଇବାରେ ଅନ୍ତତ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କର ଭୂମିକା ଅଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଂସଦଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର 70,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖଣି ମାଲିକ ମାଫିଆଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ସେତେବେଳେ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର ସରକାରୀ ଦଳର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ
सदस्य थी और संसद में सरकारी दल नेता थी कही राज्य सरकार गोटे फटा पाउला आदय करना जे राज्य सरकार विरुद्ध राज्य स्वार्थ विरुद्ध आज जो श्री जगन्नाथ मंदिर जो आशंका प्रकट होती श्री जगन्नाथ रत्न भंडार चार वर्ष है तार चाबी मिलूनी जो अंत टॉपिक बाहर पड़े जे सरकार को विरुद्ध रे सुप्रीम कोर्ट रे पिनाकी मिश्र सरकार के विरुद्ध रे खणी खणी सरकार के विरुद्ध रे कहिले खणी बापी गोटे फटा पाउला आदय कराई परिबोनी एबो ये के स्वार्थनेसी से जो लेखि चंदी खळ प्रकृति रे लोक स्वार्थनेसी किछ लोभी लोक के लोभी राज्य रे स्वार्थ विरुद्ध रे जे निज अंतता अपन प्रोफेशन को प्रोफेशन पई जो लोभ करो कहिले ने अपन तार उत्तर टिके देइदन प्रश्न बाबू समस्त जानि चंदी शंकर बाबू आ पूर्वरु शंकर बाबू आ पूर्वरु बीजेडी रे थिले एटी चेयरमैन थिले पुरी सदर ब्लॉक रे शंकर बाबू माने जानि चंदी सी की सदर जानि चंदी बीजेडी रे की कोन प्रक्रिया माने ता माने प्रश्न भाई काले मध्ये आपण आ को दल रहिबे म सेटा सेटा एटा गुटे उत्तर नो आ गया प्रश्न बाबू शंकर बाबू जानि आरो कोसी निजे पिनेकी जनता दल रे थिली बिजू जनता दल रे थिली एबो अप्रतिद्वंद्वी भाबे राजनीतिक जीवन आरंभ करि परिरो बोधवे एया कय पई जाउ प्रश्न बाबू ससुर बाबू कहिया पूर्वरु निजो आंगुटी के टिके नजर करंतु जे को निजो आंगुटी गुडा को निजो आडी जाउ जानि जे ठीक कथा के देखौ छी तू चंता त थिली मु सेटी अप्रतिद्वंदी भाबे राजनीतिक जीवन आरंभ करी पूरी अंत जनता दल विजु जनता दल दीर्घ दुई दशंधि केवल चेयरमैन नुह मुझे दल सभापति थी दल सरकार भी मुख्य थी कि आज जिते कांग्रेस मन पकड़े अंत चर्चित चंद्रा समीर चला भाव आम विरोध करते प्रसन्न बाबू जदि से सक्रिय भाव अंशग्रहण करेंगे तेल निश्चित भाव कांधे लिखुए चंद्रा चंद्र समीर चेला सतर्क रुह से चंद्र समीर चेला टॉपिक पर रहा कि कहना चाहिए कहले शंकर बाबू बस बीजेपी नेता है से बीजेडी थे आप मन पकड़े बीजेडी थे कि कई थोड़ा मना करना से बीजेडी थे बीजेडी थे आप कहें कौन चाहते जे से पिनाकी मिश्र सब जो कथा सब जानते से जो कथा से कहले से मिछ कथा कहले सुप्रीम कोर्ट रे पिनाकी बाबू जो वकिल थे से मिछ थे खणी खणी जो मैंने मालिक से लड़ू थे मिछ थी कि शुणु वकिल जी सहित लड़बे हत्याकारी पटे भी वकिल लड़ब आत्या जी होती भी लोक वकिल लड़ब वकिल धर्मला लड़ा तेणु जो पटे सी पाइबे सी लड़े बुझे दिए आपड़ पिनाकी मिश्र ट्वीट को आलोचना करे पिनाकी मिश्र जो शब्द व्यवहार कर सेल्फिश कथा कहते ग्रीड कथा कहते लोभ स्वार्थ द्वेष कथा कहते सरल भाषा कहले जो मैंने विरोध कर लोभी से स्वार्थी से कड़ा शब्द जो लिखी तार ओडिया अर्थ मुझे कहूँ जे स्वार्थ कथा कहते से द्वेष कथा कहते लोभ कथा कहते किए जो मैंने हाँ ये किए जो मैंने विरोध कर प्रकल्प श्रीमंदिर सुरक्षा प्रकल्प टे जो लक्ष लक्ष लोक सुविधा पाइबे सुविधा पाइबे अपन कोई साले तो मो कथा के पूरा करिया पे दियंतु मु जा कहिया पे चाहू छी जो शब्द से व्यवहार कर छथि तार ओडिया अर्थ तो मु अपन कहली एटी शंकर बाबूकर कहबा कथा थिला जे से लोकंकर डेफिनेशन कोन जे कहा को आमे लोभी कहबा कहा को द्वेषी के दोष रखुची के स्वार्थ कोन सेई कथा कहिला बेले से मन पकेई देले जे सरकार को विरुद्ध रे जे लड़ुथिले सरकार के विरुद्ध लड़ुचान सरकार दल लोक सी आप कौन से यथार्थ कर ठीक कर वकिल जो वकिल को जो पटे पड़ोना करे अन्य को स्वार्थ कहते सरकार लड़ुच्च सरकार दल थी स्वार्थी
ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏ ତାଙ୍କ କଥାର ଉତ୍ତର ଏଇଆ ମିଳିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସିଏ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିଏ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ହେଉଛି, କେଉଁଠୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋଟା ଆକାରରେ ମିଳିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ଟପିକ୍ ବାହାରକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଜୟ ବାବୁ ଗଲେ, ଯେହେତୁ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ହେଲା, ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ହେଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥୀ କହିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଲୋଭୀ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କରବାବୁ ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଯେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସେ କାହା ପାଇଁ ଲଢୁଥିଲେ, ଖଣି ମାଲିକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢୁଥିଲେ, ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢୁଥିଲେ, ଚରିତ୍ର ପୁରା ତାଙ୍କର ଖୋଲା ବହି ଭଳି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ଇତିହାସରେ, ସେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ଇତିହାସରେ ଏମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଢୋଙ୍ଗି ଭଣ୍ଡ ନାଟୁଆ ଏସବୁ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଦେଖିବ, ତେବେ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଇତିହାସ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବ, ଇତିହାସ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ, କାହାକୁ କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ କଳାପାହାଡ଼ ଭାବରେ ପରପିଢ଼ି ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସେଇ କଳାପାହାଡ଼କୁ ସହଯୋଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏ ଯୁଗର ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବ। ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ପ୍ରସନ୍ନ ଭାଇ ଆପଣ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବେ କି ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଇତିହାସ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ବାଇଟ, ଆପଣ ଦେଶୀ କଳାପାହାଡ଼ ବୋଧେ କହିଛନ୍ତି ନା, ବୋଧେ ବିକୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିନାକି ବାବୁଙ୍କୁ? ମୁଁ କହିଥିଲି, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଦେଶୀ କଳାପାହାଡ଼ ତ ବାହାରୁ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି ଏ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ କଳାପାହାଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶୀ କଳାପାହାଡ଼, ଆଉ ଏ ଯୁଗର ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଜାତି ପ୍ରତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ବାବୁ ଆପଣ ଟିକେ ସାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପବାଦ ପିନାକି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଯେଉଁ ମିଛକୁ ନେଇକି ଅପବାଦ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି, ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତେ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଯେ ପିନାକି ମିଶ୍ର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସତ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ କାଲି ଡିବେଟ୍ କରୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଡିବେଟ୍ରେ ଆସିକି ଦେଖେଇଥାନ୍ତେ ଯେ ପିନାକି ମିଶ୍ର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସତ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ଦେଉଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ମୋବାଇଲରେ? ଦେଖାନ୍ତୁ ପିନାକି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବି କୁହନ୍ତୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଇ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ସେ ମିଛ କହୁଥିଲେ କି ଇଏ ସତ କହୁଛି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଏବଂ କାଲି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ବୋଧ ହୁଏ କାଲି ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ, ସେ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି, ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି, ସରକାର ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସାରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଇ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ସମୟ ସରିଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଅତିଥି ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମୟ ସରିଛି, ଆମ ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ ସାରିବା, ଅଜୟ ବାବୁ, ଶଙ୍କରବାବୁ, ପ୍ରଶ୍ନବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆଜି ଆମର ଡିବେଟ୍ ଥିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପିନାକି ମିଶ୍ର ଯାହା ସଂସଦରେ କହିଥିଲେ ତାହା ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। 4ଟି ଟଏଲେଟ୍ ହେଉନାହିଁ, ସେଠି ବହୁତଳ ପ୍ରସାଦର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ୁଛି, ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି GPR ଷ୍ଟଡି ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ASI କହୁଛି ହେଇନାହିଁ, ଏବଂ ପିନାକି ମିଶ୍ର କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତଥ୍ୟ ଅଛି କାହିଁକି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି? ସମୟ ହେଉଛି, ପ୍ରଶ୍ନକାଳକୁ ଏଇଠି ରଖିବା।